बिहार के बाकी जिलों या अन्य गांवों की सड़कें खराब है, वहां की स्थितियां खराब है, तो समझ में आती है चलिए वो राजधानी से दूर है। लेकिन जब राजधानी में ट्रांसपोर्ट नगर का ये हाल है, जहां देश देश सारे देश से ट्रक आते हैं, अनेक मालगाड़ियां आती है जिससे यहाँ का व्यापार होता है, जहाँ से सामान की इधर से उधर आगमन होती है, उस जगह पर यानी पटना के ट्रांसपोर्ट नगर जो रवि केंद्रीय केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद उनके क्षेत्र में आता है, उसका हाल देखिए इस वीडियो में। आपको पता चलेगा कि जब पटना राजधानी का ही ऐसा हाल है और जिसका सांसद केंद्रीय मंत्री उसके क्षेत्र का ये हाल है, तो हम और क्या उम्मीद लगा सकते हैं सरकार से। ये देखिए, हम ट्रांसपोर्ट नगर में हैं। ट्रांसपोर्ट नगर की जो स्थिति है पूरी तरीके से नरक बन चुका है। पटना में, पटना के पूर्वी हिस्से में है ये ट्रांसपोर्ट नगर। यहाँ से राज्य भर के ट्रांसपोर्टर यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन जो स्थिति है वो देखिए पूरी तरीके से गड्ढों में तब्दील। ये जो सड़कें हैं ये ट्रांसपोर्टर के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं। देखिए किस तरह से ये लोग आते जाते हैं। ये ट्रांसपोर्ट नगर की सड़कें पूरी तरीके से लबालब हो चुकी हैं। आने जाने में जो परेशानी है आप देख सकते हैं। ये तस्वीरों में हम ये जो स्थिति दिखा रहे हैं ट्रांसपोर्ट नगर की, बड़े बड़े गड्ढे आए दिन दुर्घटना का कारण भी बन रहे हैं। ये जैसे तैसे लोग आने को मजबूर हैं और ये गाड़ियां इस बड़े बड़े गड्ढे में आए दिन फंस रही हैं। ये देखिए किस तरीके से वो ठेला वाले और गाड़ी वाले रुक रुक करके फंस करके जाते हैं। ये देखिए एक बाइक फंस गई है और बाइक यहाँ से फिर निकालने की कवायद जारी है। ये ट्रांसपोर्ट नगर का जो ये हाल है आप इसको देख सकते हैं। ये ट्रांसपोर्ट नगर में ये गड्ढों को भरने तक की फुर्सत नगर निगम को नहीं है और ना ही जिम्मेवार इस पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि राज्य भर के लिए ये स्थिति है। देखिए ट्रांसपोर्ट नगर के एक ट्रांसपोर्टर हैं राकेश जी, हम इनसे जानना चाहेंगे जो परेशानी है ये कब से है ट्रांसपोर्ट। ये सर मोटा मोटी 5 साल 10 साल हो गया। ये गाड़ियों के लिए तो ये बहुत परेशानी वाली स्थिति। गाड़ी की सारी स्थिति ये है कि आदमी पैदल नहीं चल सकता, ना साइकिल से चल सकता है, और नगर निगम सिर्फ खाली अपने गाड़ी का पैसा लेने के लिए रहता है और कोई कोई व्यवस्था नहीं है। ना लाइट का व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, और ना सड़क के बजाय आदमी कैसे मेडिसिन और खाने पीने का सामान इस जगह से दूसरे जगह कैसे पहुंचाएगा। आप ये देख सकते हैं ये जो परेशानी है ये एक ट्रांसपोर्टर की नहीं है, ये सैकड़ों लोग हैं जो यहाँ पर नगर निगम की मेहरबानी से, नगर निगम की नाकामी से परेशान हैं, लेकिन लोगों को ये स्थिति नहीं दिख रही है। ये देखिए हम